प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ के संस्थापक प्रबंधक हैं। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के पद चिन्हों पर चलने वाले डॉक्टर गांधी ने 1956 में सिर्फ 5 बच्चों के साथ इस स्कूल की शुरुआत की। उनकी लगन और मेहनत का नतीजा ही कहिए और 50,000 से भी ज्यादा छात्रों वाला ये स्कूल विश्व का सबसे बड़ा स्कूल है। 1999 से इस स्कूल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। डॉक्टर जगदीश गांधी का जन्म 10 नवंबर 1936 को अलीगढ़ जिले के बारसोली गांव में हुआ। वो लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम है और विश्व के अनेक देशों ने उन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट प्रदान की है। लखनऊ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान वो सोशल एक्टिविटीज में भी शामिल रहे। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कई आंदोलन चलाए। इस दौरान वो स्टूडेंट यूनियन के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष चुने गए। शादी के बाद पत्नी के साथ मिलकर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल खोला। विश्व शांति के लिए उनकी कोशिशों को अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों ने सराहा और सम्मानित किया। डॉक्टर गांधी सामाजिक गतिविधियों में लगातार शामिल रहे। 1959 से 1964 के दौरान वो उत्तर प्रदेश नौजवान संघ के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा 1960 से 1965 के दौरान वो उठो जवानों के संपादक भी रहे। 1961 से 1973 के बीच वो ऑल इंडिया चिल्ड्रन एंड यूथ फेस्टिवल के संस्थापक और महासचिव रहे। साथ ही 1962 से 1965 के बीच वो सहायक जिला स्काउट आयुक्त भी रहे। दुनिया भर के बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए परिवर्तनीय अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए अभियान चलाने के लिए उन्हें 21 अगस्त 2012 को विधि के क्षेत्र में मानद उपाधि भी दी गई। मार्च 2014 में उन्हें यूपी सरकार ने यश भारती सम्मान से भी नवाजा। शांति आधारित शिक्षा के लिए उन्हें साल 2011 में प्रतिष्ठित कूसी शांति पुरस्कार और साल 2002 में यूनेस्को की ओर से सम्मानित किया गया। गॉड रिवील्स हिज वर्ड्स प्रोग्रेसिवली एंड साइक्लिकली ओवर ए टाइम थ्रू अ सीरीज ऑफ डिवाइन टीचर्स एंड that their teachings are tailored to suit the needs of different ages and places of their appearance. और जितनी ये किताबें हैं इनमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है। सारे संसार के सारे विद्वान प्रोफेसर मिल जाए और गीता में या त्रिपिटक में या बाइबल में या कुरान शरीफ में या गुरु ग्रंथ साहब में या किताब अकदस में या किताब अजाविस्ता में कोई कमी निकालना चाहे, कोई शब्द जोड़ना चाहे घटाना चाहे, कॉमा फुल स्टॉप भी घटाना जोड़ना चाहे, नहीं कर सकते, क्योंकि ये रीजेनरेटिव पावर होती है और ये किसी अवतार की वाणी नहीं है, ये तो अवतारों को प्राप्त हुई है। ये सब दिव्य वाणियाँ परमात्मा से आई हैं और परमात्मा एक ही है, तो ये उसकी आज्ञाओं को जानना और उस पर चलना ये मनुष्य का उद्देश्य है। तो आई बियर विटनेस माई गॉड that thou hast created me for two things, to know thee and to worship thee. Know thee means know your teachings, and worship thee means obey your teachings. I testify at this moment to my powerlessness and to thy might. Hey Parmeshwar, tu shaktishali hai, main shaktihin hu, to mujhe shaktivan bana. अब शक्ति का शोध क्या है, परमात्मा की शक्ति का पता कैसे लगता है? जो कोई परमात्मा को पहचान लेता है उसमें शक्ति का शक्ति आ जाती है, उससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि परमात्मा कितना शक्तिशाली है। देखिए राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, कितना आत्मा का बल है। हम लोग जा सकते हैं 14 वर्ष के लिए? कोई नहीं जा पाएगा। ईसु मसीह को कीले ठोकी जा रही हैं फिर भी वो इबादत कर रहे हैं, किनको माफ करते जो मुझे सूली दे रहे हैं। मोहम्मद साहब को 13 वर्षों तक मौत के साए में जीना पड़ा मक्का, और एक दिन रात को छिपकर मक्के से मदीने गए और कुछ उनके साथी थे, तो जब किलर्स ने देखा कि मोहम्मद कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है मक्का में,
तो उन्हें शक हुआ कि मदीने की तरफ न गया हो। तो किलर्स उनका पीछा करते करते मदीने पहुंचे और वहां पर उनके कुछ अनुयायी थे, उनको डर लगा कि किलर्स आ रहे मारने के लिए तो मार डालेंगे, वो अभी इसी ने भाग गए। तो मोहम्मद साहब निहत्ते रह गए अकेले। तब उन्हें संदेश आता है भगवान का कि 7,500 वर्ष पूर्व हमने राम का सहयोग किया था और हमने 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन की मदद की, कृष्ण के माध्यम से हमने अपना संदेश भेजा, उस पर वो चला तो वो 7 क्षौणी सेना लेकर के भी 11 क्षौणी सेना को उसने परास्त किया। अब मोहम्मद तुम भला काम कर रहे हो, हम तुम्हारा साथ देंगे। मोहम्मद साहब जो थे गरीबों की हिमायत करते थे, वहां पर मक्का के अंदर अरेबिया में बड़े बड़े कबीलों के सरदार होते थे, बार्बर जंगली ट्राइब्स, वो बहुत गरीबों को सताते थे। 10 रुपए उधार दें तो 10 रुपए ब्याज लगाएं, और जब 20 रुपए ब्याज के न दे पाए तो 20 रुपए जुर्माना कर देंगे, और जब 40 न दे पाए तो उनके बहू बेटियों को ले जाते, बच्चों को ले जाते, उनके पशुओं को ले जाते, उनके साथ बदसलूकी करते, जुल्म और अत्याचार करते। मोहम्मद साहब उसका विरोध करते थे। मोहम्मद साहब को इसीलिए मारना चाहते थे बड़े बड़े कबीलों के सरदार। वो कहते थे कि तुमने कौन सा ठेका लिया है, तुम्हें किसने ठेका दिया है, तुम गरीबों की हिमायत क्यों करते हो। तो मोहम्मद साहब ने बहुत संघर्ष किया। गुरु गोविंद सिंह के तो 2 पुत्रों को जीते जी दीवार में चुन दिया गया। रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया। तो जब जब होए धर्म की हानि, तो बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि से जन पीरा। जब पाप बढ़ते हैं और इनकी संख्या बढ़ती है तो प्रभु के विभिन्न अवतारों में आ जाते हैं, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी बुद्ध और मोहम्मद और नानक और ईसा के रूप में। एक ही परमात्मा है और वही युग युग में आता है। और तो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, सब धर्मों की शिक्षाएं जानना, और सब धर्मों की शिक्षा एक है, द बेसिक पर्पज ऑफ ऑल द रिलीजन इज टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द ह्यूमन रेस and to foster the spirit of love and fellowship amongst men. और ये जो युग युग में आते हैं, परमात्मा God reveals his words from time to time. तो all the revealed books of God are unerring. इनमें कोई त्रुट नहीं है, are unerring and collected wisdom. ये सारी collect किया wisdom परमात्मा ने जब से सृष्टि बनाई तब से लेके जब ये पुस्तक आई तब तक की। 5,000 वर्ष पूर्व गीता आई, तो गीता में सारी बुद्धिमत्ता जब से परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई तब से लेके और जब 5,000 वर्ष पूर्व ये गीता का ज्ञान आया, तो पूरी बुद्धिमत्ता परमात्मा ने एकत्रित करके गीता में रख दी। ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनरिंग एंड कलेक्टेड विजडम दैट आर सेंट बाय वन गॉड, एक ईश्वर के द्वारा भेजी जाती है, सेंट बाय वन गॉड एज रिक्वायर्ड फ्रॉम एज टू एज टू ओपन द मेंटल लॉक्स ऑफ मैनकाइंड एंड टू क्योर द मेलेडीज ऑफ द एज। प्रोग्रेसिव रिवॉल्यूशन मीन्स द रिलीजियस ट्रुथ इज रिवील्ड बाय गॉड प्रोग्रेसिवली एंड साइक्लिकली ओवर ए टाइम थ्रू अ सीरीज ऑफ डिवाइन टीचर्स एंड द टीचिंग्स are tailored to suit the needs of different ages and places of their appearance. तो जहाँ जिस युग में, जिस काल में, जिस परिस्थिति में, जिस जगह पर उसकी आवश्यकता होती है, जब आवश्यकता होती है, तब परमात्मा का दिव्य ज्ञान वहाँ पर प्रकट होता है। तो देखो परमात्मा की शक्ति क्या है, राम बन को चले गए, इतना आत्मा का बल आ गया। यीशु मसीह को कीलें ठोकी जा रही हैं और फिर भी वो प्रार्थना कर रहे हैं, इतनी आत्मा का बल आ गया।
तो जो कोई ईश्वर को पहचान लेता है उसमें शक्ति इतनी आत्मा की आ जाती है तो वो शक्तिशाली हो जाता है। आप देखें जितने भी अवतार आए सभी को तकलीफ हुई। राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, कृष्ण जी के तो 7 भाइयों को कत्ल कर दिया आने के जन्म के पूर्व ही। आप देखें तो ईसा को सूली दे दी गई, मोहम्मद को 13 वर्षों तक मौत के साये में रहना पड़ा। तो ये सारी तकलीफें झेली इन लोगों ने। इतनी आत्मा का बल इनमें आ जाता है जो हमारे अंदर नहीं है, तो ये बल हमें भगवान से मांगना है कि हमारी आत्मा इतनी प्रबल बने कि जितनी भी हमारी विपरीत परिस्थितियां हों, जितना भी हमारे पर संकट हो, लेकिन हम ईश्वर का काम करते रहें। कीलें भी ठोकी जा रही थी तब भी वो ईश्वर का काम कर रहे थे, वो करुणा का संदेश दे रहे थे इस मशीन। तो मारे भी जा रहे हैं, 14 वर्ष के वनवास भी गए तब भी वो प्रभु का ही काम कर रहे हैं। तो आप देखिए कि ये जितना भी हम कष्ट उठाते हैं ये हमारी आत्मा का बल है। टू माई पावर्टी एंड टू दाई वेल्थ। अब भगवान तू बड़ा धन धान्य पूर्ण है, हम बड़े निर्धन है, तो उसके धन का क्या पता लगे? कौन सा धन? आध्यात्मिक धन। जो तुझे पहचान लेते हैं उसके पास आध्यात्मिक धन बहुत हो जाता है। जो कोई तुझे पहचान ले, ईसा ने पहचाना तो इतना आध्यात्मिक धन आ गया कि वो कीलें ठोकी जा रही हैं फिर भी प्रसन्न है। राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, जंगल की खाक छा रहे हैं, बड़ी तकलीफों में रह रहे हैं, फिर भी खुश है और प्रभु का काम कर रहे हैं, और वहाँ भी प्रभु का ही संदेश दे रहे थे। कोल भील जो भी जनजातियाँ थी सबको वो एजुकेट कर रहे थे, प्रभु की संदेश दे रहे थे इतनी विपत्तियों में। तो जितने भी अवतार होते हैं उतना शक्तिशाली हो जाते हैं और इतना वो धन धान्य पूर्ण होते हैं, और जब जाते हैं इस संसार से तो खाली हाथ नहीं जाते। हम लोग तो खाली हाथ जाते हैं, वो क्या लेके जाते हैं? इसी मछी गए तो प्रभु का प्रेम लेके गए कि प्रभु के प्रेम के लिए कीलें भी उन्होंने ठुकवाई। और जितने अवतार हैं ये सभी कष्ट उठाते हैं, तो ये अनेक कष्ट उठा के, अनगिनत कष्ट उठा के इन कष्टों को ही ले जाते हैं अपने साथ। ये आत्मा इनकी बलिष्ठ हो जाती है, ये इस तरह से धन धाने से पूर्ण है, और हम निर्धन है क्योंकि हमारे पास तो भौतिक धन बहुत है, घर है, मकान है, दुकान है, बैंक बैलेंस है, सब चीजें हैं, तो इसलिए हम इसको धन मानते हैं। लेकिन परमात्मा के अवतार जो परमात्मा की राह में परमात्मा के काम करने के लिए जो कष्ट उठाते हैं वो उनका असली धन होता है। प्रभु सेवा के लिए जो हम कष्ट उठाते हैं वो हमारा धन है। टू माई पावर्टी एंड टू दाई वेल्थ। देर इज नन अदर गॉड बट दी द हेल्प इन पेरिल द सेल्फ सब्स्टिट्यूट। एक तो परमात्मा स्वनिर्भर है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, और दूसरे हेल्प इन पेरिल, वो संकट में सहायक है। तो संकट है क्या हमारा? मनुष्य का संकट एक ही है। वी हैव बीन क्रिएटेड टू नो गॉड एंड टू लव हिम। मैं साक्षी देता हूं हे मेरे परमेश्वर कि तूने मुझे इसलिए उत्पन्न किया है कि मैं तुझे जानूं और तेरी पूजा करूं। तो हम न उसे जानते हैं न उसकी पूजा करते हैं, न हम इन किताबों की गहराई में जाते हैं और न इन पर चलते हैं, तो इससे बड़ा संकट क्या होगा? आए थे अरभजन को ओटन लगे कपास। हम संसार में क्यों आए? प्रभु की आज्ञाओं को जानकर उन पर चलने के लिए, और हम प्रभु की आज्ञाओं को न जाने और उन पर न चले, रिचुअल करने लगे तो भगवान कहेगा कि यार ये तो बेकार हो गया आदमी, तो किसी काम का नहीं। See it fly.
Member nations willing to deliberate on this topic further may raise their placards high. Member nation China, you may take the floor. CSCS Speaker, Madam. True, world growth is expected to rise from 3.1% in 2016 to 3.5% in 2017 and 3.6% in 2018. Stronger activity, expectations of more robust global demand, reduced deflationary pressures, and optimistic financial markets are all upside evolutions. China's economy has shown more signs of cooling, with key barometers from its manufacturing and services sectors dipping in April. The latest data comes as Beijing attempts to rein in a booming property market and rapid credit growth. It gives me immense pleasure, ladies and gentlemen, to welcome each one of you present here this evening to the curtain raiser inaugural function of the 4th IYCCE, as we call it, the International Youth Convention on Commerce and Economics. On this very special occasion, I'd like to very specially welcome our chief guest for the evening, Dr. Sarvain Vikram Bahadur Singh, Director of Basic Education, Government of Uttar Pradesh. A very warm welcome to you, sir. All delegates, members of the IYCCE family from across the globe, ladies and gentlemen. 9 schools of Brazil, 3 schools of Nepal, 1 school of Sri Lanka. All the 13 schools, a very, very warm welcome. Namaste, aapka swagat hai, IYCCE. 30 schools from across the country, ladies and gentlemen, from almost every conceivable state of the country. It's overwhelming as the convener of this convention for me to be spelling aloud my joy by naming the states: Goa, Maharashtra, Delhi, Madhya Pradesh, Jharkhand, Uttar Pradesh. Am I missing out on anyone? Beg your pardon? I mentioned Jharkhand. Yes, I did. So all the schools are very, very warm welcome. Give it up for yourselves, all of you, wherever you are. All the 30 prestigious schools here to be a part of IYCCE means a lot to us at the Station Road family of City Montessori School. Not to forget the local schools of the city, all prestigious schools participating in this absolutely wonderful, joyous event, one of its kind. Talking of economics, talking of commerce, look around your friends. It's everywhere. We talk of trade. We talk of transaction. We talk of exchange. Well, it's all the time economics. It's all the time commerce. Buying and selling of material. Also transaction of ideas, innovative. Motivational exchange of notes. Here and there, this way and that, back and forth. And all along, the abstract connect of relationship of give and take. What else is it? It's economics, ladies and gentlemen. And that is what we wish to celebrate under the umbrella of the IYCCE. Talking of economics, to continue and elucidate further, economics is all about transaction, yes. Like they say for geography, it helps you make neighbors, find neighbors, discover neighbors. They say for history, it helps you find friends. But for economics, it helps you ascertain partners, partnership forever, for transaction of all kinds. With an unconditional understanding of give and take, no measure whatsoever, but a camaraderie, a kind of collaboration, cooperation, companionship all along. And that, ladies and gentlemen, is what you are a part of under the IYCCE umbrella. If we talk of Adam Smith, the father of economics, it suddenly occurred to me
Not that economics is my forte, but I decided to read this one. His profound theories about demand and supply. What on earth urged him? What on earth, I ask you, urged him to write this very, very popular book, The Theory of Moral Sentiments? Think about it. And in this book, which is a hot favorite with many, including myself, he talks about each and every mortal being a part of the multitude and in no respect better than the other. So what is the father of economics promulgating, propounding? Oneness, unity, togetherness. That is what we do here at City Montessori School. City Montessori School is all about propagating and advocating oneness of mankind. Despite all man-made discrepancies and differentiations, one has to understand the universality, the commonality, the LCM and the HCF, as we call it, the highest common factor or the lowest common multiple of human existence, of being one at all times for no selfish gain, but for that one gain of oneness, collaboration, compassion, togetherness. I am actually, as just said, an economist by training. And yes, this topic is close to my heart. I'm not going to say much about it at the moment, because what I have to say, I will be sharing with you, because I'm one of the scripted speakers at this event, I think probably tomorrow. I'm speaking. So I shall reserve my comments to that. Today, it is my great pleasure to welcome our honored chief guest for this evening, Dr. Sarvendra Vikram Bahadur Singh, Director of Basic Education, who also concurrently holds the charge as Director of the State Council for Educational Research and Training of the Government of Uttar Pradesh. Friends, especially those who have come from abroad, if it had been the case that Uttar Pradesh, the state of India in which you are sitting today, in the capital city of which this school is located, if this state of India had been a country instead of being one state of a country, if Uttar Pradesh had been a country in its own right, it would have been the sixth largest country in the world, immediately after Brazil, which is the fifth largest country, on account of the size of its population. And in that context, Mr. Singh, as the senior most education officer of the state, is responsible for the elementary education of approximately 33 million students. Dr. Singh has served the children of the state of Uttar Pradesh in a distinguished capacity for the last 32 years and is managing a cadre of large number of teachers. We think, by my estimate, I think it is 1.5 million teachers. So go back not only with a greater knowledge of economics and commerce and a wider knowledge of these subjects, but probably more importantly, go back having made lots of really good friends across the boundaries of nations and things. And maybe you meet us as adults, when you come back, keep always your connection with India. Always keep coming back to City Montessori School. Thank you. We raise the banner of our school and see it flying high. We raise together all our voices till they reach the sky. CMS is the place to be. CMS is for you.
शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।